नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अजनिया यूनिवर्सल रेमेडीज़ पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे डेली अपडेट्स पाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय यह है कि जोर जोर से हंसने लगा था मेघनाथ का कटा हुआ सिर, जाने क्यों। जी हाँ दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित हिंदू धर्म रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के जीवन का चरित्र देखने को मिलता है। रामायण में उनकी पत्नी माता सीता, भाई लक्ष्मण, पवन पुत्र हनुमान जी आदि के जैसे कई बेहद महत्वपूर्ण चरित्रों का गुणगान है। लेकिन इसके साथ ही आसुरी शक्तियों के सम्राट लंकावती रावण, जिसका वध करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु जी ने धरती पर पहली बार मानव का अवतार लिया था, के साथ साथ अन्य बहुत सी दुष्ट ताकतों का उल्लेख मिलता है। रामायण में उल्लेख मिलता है कि रावण के पुत्र का नाम मेघनाथ था, उसका एक और नाम इंद्रजीत भी था। दोनों नाम उसकी बहादुरी के लिए दिए गए थे। इंद्र पर जीत हासिल करने के उपरांत मेघनाथ का नाम इंद्रजीत पड़ा और मेघनाथ नाम मेघो अर्थात बादलों की आड़ में युद्ध करने के कारण पड़ा। रावण का पुत्र मेघनाथ एक ऐसे दुष्शक्ति था जिसका वध भगवान राम जी के भ्राता लक्ष्मण जी के हाथों हुआ था। लेकिन मृत्यु हो जाने के बाद अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मेघनाथ का कटा हुआ सिर अचानक हंसने लगा। जी हाँ दोस्तों, आइए जाने आखिर क्यों श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी और पूरी वानर सेना के सामने मेघनाथ का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। रावण का पुत्र मेघनाथ एक दुष्ट शक्ति था। जब रावण द्वारा मेघनाथ को श्री राम और भगवान श्री लक्ष्मण जी को मारने भेजा तो युद्ध के दौरान उसके वह सारे प्रयत्न विफल रहे और इसी युद्ध में लक्ष्मण जी ने अपने घातक बाणों से मेघनाथ का दर उसके सर से अलग कर उसे मार गिराया था। उसका सिर श्री रामचंद्र जी के आगे रखा गया, उसे वानर और रीछ देखने लगे। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि इसके सिर को संभाल कर रखो। दरअसल भगवान श्री रामचंद्र जी मेघनाथ की मृत्यु की सूचना मेघनाथ की पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे। उन्होंने मेघनाथ की एक भुजा को बाण के द्वारा मेघनाथ के महल में पहुंचा दिया। वह भुजा जब मेघनाथ की पत्नी सुलोचना ने देखी तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। उसने भुजा से कहा कि अगर तुम वास्तव में मेरे स्वामी की भुजा हो, मेरी दुविधा को मिटाओ और मुझे लिख कर दिखाओ। सुलोचना के इतना कहने पर भुजा हरकत में आ गई। तब एक सेविका ने उस भुजा के हाथ में खड़िया अर्थात कलम ला कर रख दी। उस कटे हुए हाथ ने अपने आंगन में लक्ष्मण जी की प्रशंसा लिख डाली। अब सुलोचना को विश्वास हो गया कि युद्ध में उसका पति मारा गया है। सुलोचना इस समाचार को सुनकर रोने लगी। फिर वह रथ में बैठकर रावण के से मिलने चल पड़ी। रावण को सुलोचना ने मेघनाथ का कटा हुआ हाथ दिखाकर अपने पति का सिर मांगा। सुलोचना रावण से बोलेगी, अब मैं एक भी पल जीवित नहीं रहना चाहती हूँ, मैं अपने पति के साथ ही सती हो जाना चाहती हूँ। तब रावण ने कहा कि पुत्री, चार घड़ी प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाथ का सिर शत्रु के सिर के साथ ही लेकर आता हूँ। लेकिन सुलोचना को रावण की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब सुलोचना मंदोदरी के पास गई। तब मंदोदरी ने कहा कि तुम श्री रामचंद्र जी के पास जाओ, वह बहुत ही कृपालु और दयालु हैं। सुलोचना जब श्री रामचंद्र जी के पास पहुंची तो विभीषण ने उसका परिचय करवाया। सुलोचना ने श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे राम जी, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरे पति का सिर मुझे लौटा दे ताकि मैं भी सती हो सकूं। श्री रामचंद्र जी सुलोचना की इस दशा को देखकर बड़े ही दुखी हुए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देता हूँ। इस बीच उसने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरे पति जीवित होकर संसार को के कष्टों को भोगे। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे आपके दर्शन हो गए हैं, मेरा जन्म सार्थक हो गया है, अब जीवन में रहने की मेरी कोई इच्छा नहीं है।
श्री रामचंद्र जी के कहने पर सुग्रीव मेघनाथ जी का सिर लेकर आए, लेकिन उनके मन में यह आशंका थी कि मेघनाथ के कटे हाथ ने लक्ष्मण जी का गुणगान कैसे लिख दिया। सुग्रीव से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा कि मैं सुलोचना की बात को तभी सच्चा मानूंगा जब यह नरमुंड अर्थात उसका कटा हुआ सिर हंसेगा। सुलोचना ने के सतीत्व की यह बहुत ही बड़ी परीक्षा थी। उसने कटे हुए सिर से कहा कि हे स्वामी, जल्दी हंसिए वरना आप के कटे हुए हाथ से जो लिखा हुआ सत्य था उस पर ये विश्वास नहीं करेंगे। इतना सुनते ही मेघनाथ का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। इस तरह सुलोचना अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर वापस चली गई। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो बड़ा ही पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो मेरे चैनल और मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद। जय माता दी।